ये जो है प्रॉपर चल पाते हैं चल पाते हैं। यहाँ से जो है जंप तो कर लिया है सही है एकदम, तीन चार तो नीचे उतर गए हैं, चढ़ जाएंगी यहाँ से। तो आज आया हूँ मैं अपने दूसरे वाले फार्म पे, और ये वाला फार्म जो है स्विस एल्प्स पे है और ये पूरा माउंटेन का एरिया है, और इसकी मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो में मैंने इस मैप का एक छोटा सा टूर दिया था, और इस फार्म पे मैंने भी कुछ काम स्टार्ट किया नहीं है, और इस वाले फार्म पे यहाँ पे एक भी खेत नहीं है फिलहाल मेरे पास। बस यहाँ पे जो है ये ट्रैक्टर वगैरह हैं, तीन ट्रैक्टर हैं, एक गाड़ी है वो शायद वहाँ पे उस साइड खड़ी हुई है, लास्ट टाइम मैंने वहाँ पार्क कर दी थी। वहाँ पे एक जो है कैंप टाइप का सा लगा हुआ है उसके वहाँ पार्क कर दी थी। और यहाँ पे जो है अपनी काउस हैं, यहाँ पे काउस मिली है और घास काफ़ी सारी है यहाँ पे अपने फार्म पे। तो ये नहीं घास, ये घास वगैरह मैं काट के इन काउस को डाल सकता हूँ। और ये पेट्रोल का टैंक है ये खाली है, बाकी ये फार्म अभी इनिशियल स्टेज पर है, इसे जो है पूरा पूरा सेटअप करना है। और अभी जो है सेटअप करने के लिए पहले मुझे एक तो फील्ड परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मिंग करने के लिए यहाँ पर कुछ है नहीं। और वहाँ पे सामने वो जो है ट्रेन जा रही है ऊपर से। और अभी क्या करता हूँ, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मेरे को गाड़ी परचेज करनी है एक ढंग की, क्योंकि इसमें जो पिकअप ट्रक है वो बिल्कुल बकवास सा है। यहाँ पे कहीं पे पार्क हो रखा है, मैं दिखा देता हूँ इधर, ये रहा यहाँ पे, और यहाँ पे ये कैंप लगा हुआ है, इधर झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो ये गाड़ी मैंने लास्ट टाइम यहीं पर पार्क कर दी थी, और अब तो गाड़ियाँ काफ़ी सारी आ चुकी हैं, एक से एक गाड़ी है, तो वो जो है परचेज कर लूँगा। और इसके अलावा ये तो सारी सारी जो है घास लगी हुई है, एक खेत नहीं है, हो ये मैंने बोर्ड तोड़ दिया यहाँ पे, चलो कोई नहीं अपने आप रिपेयर हो जाएगा। और अभी तो जो है मुझे मैप पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे शोरूम कहाँ पे है, क्योंकि यार शोरूम का मेरे को पता नहीं है। और सबसे नियर बाई जो खेत है वो ये वाला है, ये है जो है इसमें कॉटन हो रखी है, और एक बार देख लेता हूँ और भी खेत कौन कौन से और कितने के हैं। और ये चार नंबर खेत है, अगर मैं इसको परचेज करूँ तो ये 285,000 यूरो का पड़ेगा, और ये 234,000 का। तीन नंबर बड़ा है और इसे कम कीमत में आ रहा है, ये चार नंबर में इधर का एरिया भी आ रहा है, इसलिए शायद ये महंगा है, क्योंकि इधर घास लगी हुई है, तो ये भी जो है काम में आ जाएगी। और दो नंबर वाला जो है 238 का है, और एक नंबर 193 का, और मतलब सारे महंगे हैं। और बैलेंस अभी पूरा मिला के 1,00,000 यूरो है, तो बैलेंस का तो कोई नहीं, अभी इनिशियली मुझे 10,00,000 तक का बैंक से लोन मिल जाएगा। और अभी ये यहाँ पे रास्ते में खड़ा हुआ है, मैं थोड़ा ट्रक अपना साइड कर लूँ पहले, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है, इतने में जाके स्टार्ट हो गया, अब तो चला है ये, इसको यहाँ पार्क कर दूँ, इसको निकलने देता हूँ। और अब शोरूम के लोकेशन देख रहा हूँ, एक बार शोरूम पे चलता हूँ, वहीं पे इस ट्रक को सेल कर दूँगा और दूसरी कोई ढंग की गाड़ी ले लूँगा। तो ये व्हीकल शॉप है यहाँ पे, और इसके लिए जो है मैं लोकेशन मार्क कर लेता हूँ। अभी यहाँ से जो है मेरे को सीधा जाना है, फिर ये मेन रोड से जाके इधर जाना पड़ेगा, तो उसको टैग कर लेता हूँ, ये मेरे को दिख जाएगा वहाँ पे, ये दिख रहा। और ये टैग करने पर जो इसकी लोकेशन है ये पूरी आसमान तक दिखती है, ये दूर से दिखाने के लिए है कि वहाँ पे जो है शोरूम है जो जाना है, या फिर कोई और प्लेस जो मार्क किया है। अभी इस ट्रक को मोड़ लेता हूँ, और वैसे इस ट्रक के इंटीरियर तो मेरे को काफ़ी सही से लग रहे हैं, बट कोई नहीं, ये वाला ट्रक नहीं रखना, ये बहुत स्लो है चलाने में, हैंडलिंग भी इतनी बेकार है, इतनी देर में जाके मुड़ता है। अभी सीधा ही निकालता हूँ यहाँ से, शॉर्टकट मारता हूँ, यहाँ से मुझे जाना है उधर, और मैं शायद ज़्यादा इधर आ गया क्या, ये बीच में रिवर थी, मैंने रिवर शायद क्रॉस कर ली है, एक मिनट देख लेता हूँ, अभी रिवर दिख जाएगी, रिवर यहाँ पे होगी, नहीं रिवर नहीं है यहाँ पे। और ये क्या सामने यूनिवर्सिटी टाइप की सी है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है ये। और इधर है शोरूम, शोरूम पे चलता हूँ मैं पहले जो है ना, और व्हीकल को सेल करने के लिए यहीं पे जगह शायद ये है व्हीकल को सेल करने वाला, यहीं पर छोड़ देता हूँ। और अब देखता हूँ यहाँ पर सेल करने की ऑप्शन आ गई होगी, हाँ ये सेल करने की आ गई, और उसके मेरे को 22,000 यूरो मिल रहे हैं, तो ठीक है इसको सेल कर देता हूँ। तो ये तो हो गया सेल, और अब एक गाड़ी परचेस करनी है थोड़ी ढंग की, तो गाड़ी देख लेते हैं। तो गाड़ी तो यहाँ पे सारी अवेलेबल है, जो जो शोरूम पे अवेलेबल है अपने दूसरे वाले फार्म पे, वो सारी गाड़ियाँ यहाँ पे भी है। और अभी फिलहाल मेरे पास थोड़ा बैलेंस कम है, तो एक ही ढंग की गाड़ी लेनी है, और ज़्यादा महंगी भी नहीं लेनी, और ऐसी लेनी है जिससे अपना सारा काम चल जाए। तो ये रेंज ओवर SVR ये तो जो है काफ़ी ज़्यादा महंगी है, इतना तो पूरा बैलेंस भी नहीं है जितनी इसकी कीमत है। और ये वाली नहीं, ये ज़्यादा ही स्लो जाएगी, इतनी स्लो गाड़ी भी नहीं चाहिए। ये GMC का पिकअप ट्रक देख लेता हूँ, ये थोड़ा सही लग रहा है देखने में, आगे से इतना खास नहीं लग रहा, कोई और पिकअप ट्रक देखता हूँ। और ये लैम्बोर्गिनी फ्राई वगैरह तो काफ़ी महंगी है, उनकी सेंस भी नहीं बनती अभी लेने की, इवोक भी नहीं लेनी, ये भी नहीं लेनी, और ये अपनी टोयोटा हिलक्स मैंने ले ही रखी है दूसरे फार्म पर, ये तो नहीं, कोई और पिकअप ट्रक देखता हूँ। फोर्ड का भी तो पिकअप ट्रक आया था एक आगे होगा, ये केरा फोर्ड का सुपर ड्यूटी है 70,000 का, और ये GMC का ही है 45,000 का, और ये 2016 मॉडल है फोर्ड का। ये वाला कितने का है, ये वाला है 32,500 का, वैसे इसकी कॉस्ट सही लग रही है मेरे को, और इसमें ट्रिम अच्छा, ये आगे का चेंज हो जाता है, और मड फ्लैप्स का, मड फ्लैप्स भी लगवा लेते हैं, स्नो प्लो, ये स्नो हटाने के लिए क्या आगे से, और व्हील सेटअप, स्नो तो यहाँ वैसे होती होगी, लगवा ही लेता हूँ,
और व्हील सेटअप में ये स्टॉक है और ये थोड़े से सही लग रहे हैं यार, ये वाले सही लग रहे हैं पीछे। अच्छा ये लग जाता है और ये नहीं, खाली रहने देते हैं ऐसे, ठीक है। मिरर्स भी स्टॉक रहने देते हैं और इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। नहीं वाइट तो ही लेना आपकी बात, वाइट अगर मैं लूँगा तो वाइट के लिए कमेंट आएगी कि जो है वाइट ही वाइट बार बार ले रहा हूँ मैं। इसका कलर देख लेते हैं, इसका कलर मैं ले लेता हूँ। नहीं ये तो जो है काफ़ी ज़्यादा और लग रहा है, लाइटनिंग ब्लू भी नहीं, ये ग्रे ही ठीक लग रहा है, बट इसको रहने दो, उसमें जो है कलर ढंग के है ही नहीं तो इसको मैं लेता ही नहीं। कोई और पिकअप ट्रक देख लेता हूँ, कोई और पिकअप ट्रक होगा तो वो देख लूँगा। ये वाला यही तो देख रहा था मैं, ये F250 है। अच्छा ये दूसरा मॉडल है उसमें, इसमें जो है सिंगल डोर है यहाँ पे, और इस वाले में डबल डोर था। और एक ये GMC का है और ये सुपर ड्यूटी देख लेता हूँ, सुपर ड्यूटी कैसा है। ये 2021 मॉडल है, इसमें ऊपर पैनोरामिक रूफ वगैरह भी है। नहीं ये भी रहने दो। तो पिकअप ट्रक जो है कोई सही से नहीं लग रहा मेरे को। इसके अलावा पिकअप ट्रक के अलावा ये मर्सिडीज़ का है ना, ये लेता हूँ, ये वैसे मेरे पास है दूसरे वाले फार्म पे। तो अभी क्या करता हूँ ना, अभी ये लैंड क्रूजर 300 लेता हूँ, थोड़ी सी महंगी है बट ये परफेक्ट SUV है और ये मेरे को काफ़ी सही भी लग रही है। तो बैंक से भी लोन तो लेना ही है, 10 लाख यूरो का लोन मिल जाएगा क्योंकि खेती परचेस करने हैं तो बैलेंस आ जाएगा। और इसमें पीछे ट्रेलर हिच लगवा देता हूँ क्योंकि किसी ना किसी काम तो आ ही जाएगी ये वाली हिच। और व्हील सेटअप में इसमें ये वाले व्हील तो इतने अच्छे नहीं लग रहे, ऑफ रोड वाले हैं, और ये स्टैंडर्ड वाले ठीक लग रहे हैं। और मेन कलर इसका चेंज करना पड़ेगा, मेन कलर इसका ये ब्लैक कलर में है, एक तो ब्लैक कलर मैं ले सकता हूँ, ब्लैक कलर में भी जो है थोड़ी ठीक लग रही है बट ब्लैक कलर में इतना पता ही नहीं चल रहा है इसका। और ब्लैक कलर के अलावा तो उसको मैंने येलो कलर ले लिया है ग्लोस में ना, यही मेरे को ठीक लग रहा है, बाकी कलर तो इतने अच्छे नहीं लग रहे। और ये थोड़ा डिफरेंट सा कलर है इसलिए मैं ले रहा हूँ। वैसे तो जो है इसमें वाइट अच्छा लगता है बट वाइट के जो है काफ़ी सारी गाड़ियाँ हो चुकी हैं इसलिए मैं थोड़ा डिफरेंट कलर इस बार ट्राई कर रहा हूँ। और इंटीरियर कलर तो यही रहने देता हूँ, रिम्स का कलर जो है रिम्स का कलर चेंज कराता हूँ, उसके हिसाब से जो है ब्लैक ठीक लगेंगे। ये तो ब्राउन मेटेलिक हो गया और ये ब्लैक मैट हो गया, ये वाला ठीक लगेगा। और इसको जो है सीधा परचेज करना है, लीज वीज पे नहीं लेना, तो इसको परचेज कर लिया। और अब देख लेते हैं वह गाड़ी कहाँ पे है, ये खड़ी गाड़ी और सही लग रही है वैसे, थोड़ा डिफरेंट सा कलर है और कलर का कोई इतना इशू नहीं है। अगर कलर जो है थोड़ा ख़राब लगेगा तो मैं इस कलर फिर से रीपेंट करा दूँगा, रीपेंट हो जाता है 2000 यूरो के आसपास लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते। और ठीक है अभी के लिए चला के देख लेते हैं। तो इस गाड़ी का इंटीरियर देख लो, इस गाड़ी का इंटीरियर तो काफ़ी सही लग रहा है और इसमें मेरे को पीछे भी जो है ना स्क्रीन दिख रही है लगी हुई, तो ठीक है गाड़ी जो है काफ़ी लग्जूरियस ही है। और यहाँ पे सामने जो है काफ़ी सारे कंट्रोल हैं तो इसकी पावर तो काफ़ी सही होगी, कोई इसमें डाउट वाली बात ही नहीं है। और 260 की इसकी मैक्सिमम स्पीड है और इंजन की साउंड से पता चल रहा है कि इंजन जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और अभी यहाँ से जो है चलना है अपने फार्म पे वापस, और अपने फार्म का रास्ता तो वैसे मेरे को यहाँ से पता नहीं है बट यहाँ से शॉर्टकट मारता हूँ, इधर खेत में से निकाल लेता हूँ, तो वहाँ पे माउंटेन की साइड है अपना फार्म, उधर चलते हैं एक बार और वाला खेत मैं परचेज कर लेता हूँ जो 4 नंबर खेत है। और यहाँ से निकलने का रास्ता तो वैसे है, यहाँ से निकल जाएगा, ये रास्ता सीधा है। ये ना ऊपर कुछ वहाँ पे केबल कार दिख रही है मेरे को जाते हुए, एक बार उसके पास चलता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि ये केबल कार ऊपर जा कर रही है। तो ये इधर जो है यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, इससे आगे मैं जा नहीं सकता बट वो केबल कार सामने मेरे को ऊपर जाती हुई दिख रही है, वो शायद माउंटेन के ऊपर वहाँ पे जा रही है, वहाँ पे ऊपर भी एक बिल्डिंग है तो ऊपर वहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट वगैरह होगा जहाँ पे केबल कार जाती होगी। और केबल कार का यहाँ से है बट इधर जाना अभी अलाउड नहीं है, यहाँ के लिए रास्ता बंद कर रखा है। तो चलो कोई नहीं, अपने फार्म पे चलते हैं और जो खेत परचेज करने हैं वो कर लेता हूँ। और बाकी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा फ्यूल जो है ख़रीद के ले आऊँ, अपने यहाँ पे एक फ्यूल टैंकर तो है ही, उसमें जो है स्टोर कर लूँ, तो अपनी गाड़ियों को जब बाद में फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से जो है ले लेंगे फ्यूल। और ये इसका ट्रेन का स्टेशन है, ये भी काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे जो है ये ग्रेन मिल भी है, इधर मैं ला के जो है अपने ग्रेन्स वगैरह सेल कर सकता हूँ और यहाँ से ट्रेन जो है रेंट पे भी ले सकता हूँ। और ये साथ में ही है 4 नंबर खेत यहाँ पे, तो अभी जो है इस खेत को सीधा परचेज कर ही लेता हूँ, पहले गाड़ी में प्रॉपरली पार्क कर लूँ। और ये रास्ता शायद अपने फार्म पर जा रहा है, हाँ ये रास्ता अपने फार्म का है ये रहा, तो एक दो बार आऊँगा तो यहाँ पे याद हो जाएगा रास्ते का। तो ये वैसे मेरे को अब ध्यान हो गया है, वे विदाउट मैप यहाँ पे आ गया हूँ। और अभी पहले 4 नंबर खेत को परचेज़ कर लेते हैं, गाड़ी को तो मैं जो है इधर साइड में लगा लूँ यहाँ पे खेत में। और इसमें जो कॉटन लगी हुई है ये भी जो है मैं बाद में हार्वेस्ट कर लूँगा। और इसकी कीमत भी देख लेता हूँ कि वैसे 2,85,000 समथिंग कुछ थी। और 3 नंबर भी परचेज़ कर लूँगा, तो अभी पहले जो है बैंक से लोन ले लेते हैं। तो ये बोरो करने की लिमिट जो है 10 लाख की है, ये बोरो कर लेता हूँ। इसमें जो है बोरो करने की लिमिट 10 लाख की नहीं है, इसमें स्टार्टिंग में 5 लाख की है, तो 5 लाख मैंने बोरो कर लिए हैं ये रे। और 5,42,000 यूरो बैलेंस हो गया। बोरो करने की लिमिट अलग अलग फार्म के हिसाब से होती है, कुछ जगह पर जो है बैंक ज़्यादा दे देता है, यहाँ पर जो है खाली 5 लाख ही दे रहा है, कॉम्स डैन वाले पे जो है
10 लाख दे दिए थे। तो अभी एक काम करता हूँ, अगर इतना कम अमाउंट मिल रहा है ना तो मैं ये वाला खेत परचेसिंग करता। ये छोटा खेत है, इसके साथ में खेत था जो है वो बड़ा था, 3 नंबर। ये साथ वाला खेत ये है और ये खाली भी पड़ा हुआ है, अभी इसमें कुछ लगा हुआ भी नहीं है। तो ये वाला खेत ले लेता हूँ, ये थोड़ा बड़ा भी है और इसमें जो है ज़्यादा क्रॉप भी लग पाएगी। और ये आ रहा है, इसकी कीमत है 2,34,000, उससे सस्ता है क्योंकि इसमें जो है पूरा फार्मिंग एरिया है, इसमें जो है घास वाला एरिया भी था, फार्मिंग एरिया कम था। तो अब 3 नंबर ही ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा फार्मिंग एरिया चाहिए। तो इसको बाय कर लिया, ये तो हो गया बाय। अब ये खेत हो चुका है अपना, यहाँ पे इस गाड़ी को फिलहाल यहीं पे रहने दो, मैं ट्रैक्टर ले आता हूँ। अभी जो है आगे भी कुछ एक्सप्लोर करने जाना होगा तो उस गाड़ी को यहीं से ले जाऊँगा, और ट्रैक्टर और मेरे को कल्टीवेटर चाहिए होगा। तो अभी ट्रैक्टर्स में एक तो ये वाला ट्रैक्टर है, ये तो इतना पावरफुल नहीं है, और ये इलेक्ट्रिक वाला ट्रैक्टर है। यहाँ पे इसका चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे है, यहाँ तो नहीं है, उधर की साइड कहीं पे होगा। और एक ये वाला ट्रैक्टर है, इसमें अटैचमेंट है आगे, और यही मेरे को लगता है इन तीनों में सबसे पावरफुल ट्रैक्टर है। और इधर क्या है, इधर तो ये प्लो रखी हुई है, कल्टीवेटर नहीं है शायद मेरे पास। एक बार पहले ट्रैक्टर ले लूँ फिर देख लेता हूँ कल्टीवेटर है या नहीं है। पहले तो ये पीछे का वेट जो है ना इसको भी हटा के इधर की साइड रख दो, यहाँ पे इस पीछे वाले वेट की ज़रूरत नहीं है। और ये ट्रैक्टर है कौन सा, ये ट्रैक्टर का तो कंपनी भी जो है इधर तो कहीं लिखी हुई लिंट्रैक करके है। और इधर की साइड एक दो कल्टीवेटर तो कुछ होने चाहिए। ये क्या है, ये जो है घास काटने वाली मशीन है, ये जो है घास कलेक्ट करने के लिए। घास वाली चीज़ें काफ़ी सारी हैं क्योंकि यहाँ पे घास का काम ज़्यादा है। तो ये जो दो टैंकर खड़े हैं मैं देख लूँ इनमें किन में फ्यूल आ सकता है, उसमें से जो एक को ले जाके फ्यूल लेके आऊँगा। अभी फ्यूल ला के डालना है यहाँ पे इस वाले टैंकर के अंदर जो सामने रखा हुआ है। और वैसे ये गैराज भी तो है, ये देख लेता हूँ, ये शायद रिपेयरिंग का है, ये अभी खुला नहीं है। नहीं ये नहीं खुला है, ये बंद है, ये इधर से ही बंद है। और वैसे अपने पास यहाँ स्लरी का ये भी है, अभी तो खाली है, लिक्विड मैन्योर का, इसमें भी स्लरी ला कर डाल देंगे तो लिक्विड मैन्योर ही बन जाएगा। और काउस का भी देखना है, काउस को भी जो है खाना वगैरह देना है। अभी फिलहाल तो अभी मुझे जो है कल्टीवेटर परचेज करके लाना पड़ेगा, तो शॉप पे चलता हूँ एक बार कल्टीवेटर लेके आता हूँ वहाँ से, और परचेज़ क्या करूँगा रेंट पे ही ले लूँगा, ज़्यादा बेटर है। ये इधर मैं शोरूम पे तो आ गया, और ये सामने मेरे को साइकिल्स कुछ खड़ी हुई दिखी हैं, और ये साइकिल स्टैंड है। और ये मिलेंगी कहाँ से, यहाँ से कहीं से, ये तो शायद टॉयलेट लग रहा है मेरे को ना, अभी शायद बंद होगा, बाद में मिल जाएंगे। और इधर क्या है ये, और तो ये यहाँ पर पेट्रोल पम्प, यहाँ से लेके जाऊँगा पेट्रोल। और इधर की साइड ये क्या है, ये पार्क है, काफ़ी सही पार्क है। तो इधर यहाँ पे शॉप्स वगैरह नहीं, कुछ और है, ये कुछ प्रोडक्शन फैक्ट्री वगैरह है। और ये यहाँ पे गार्डन है, और सामने शायद और जो है शॉप्स वगैरह होंगी। साइकिल स्टैंड एक और है यहाँ पे, और इधर क्या है, इधर ये सुपरमार्केट है। तो सुपरमार्केट पे भी लाके मैं सामान शायद सेल कर सकता हूँ, यहाँ पर देख लेता हूँ, यहाँ पर सामान सेल करने की ऑप्शन तो होगी। ये मेरे को यहाँ पर जो है दिख तो रहा है अनलोडिंग का एरिया, चलो इसे भी देख लूँगा। और यहाँ पे जो है सुपर कार्स की आवाज़ आ रही है, अभी मुझे आवाज़ आई सुपर कार की। तो यहाँ पे और सुपर कार्स भी हैं, अभी देख लेंगे, दिख जाएंगी सुपर कार्स यहाँ पे। वैसे भी कुछ दिनों में यहाँ पे एक दो सुपर कार तो मैं ही परचेज कर ही लूँगा खेती बाड़ी करके। और जंप करके इधर चलते हैं, और इसके लिए पहले कल्टीवेटर ले लेता हूँ, ये रहा कल्टीवेटर, और इसको लीज पर लेते हैं, लीज पे ले लिया, और इसे अटैच करके लेके चलता हूँ। किधर आया, सामने आया ट्रैक्टर ना, थोड़ा छोटा है तो ये कल्टीवेटर बड़ा लग रहा है इस ट्रैक्टर के सामने। और अपने दूसरे फार्म पे सारे ट्रैक्टर जो है बड़े हैं, तो ये कल्टीवेटर इतना बड़ा ही नहीं लगता देखने में, नॉर्मल लगता है, बट यहाँ पर तो जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो इतना वेट है कि मैं थोड़ा सा मोड़ रहा हूँ, ये ट्रैक्टर अपने आप ही मुड़े जा रहा है क्योंकि पीछे वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ये स्मॉल साइज़ का ट्रैक्टर ही है, ये स्टार्टिंग में स्मॉल साइज़ के ट्रैक्टर दिए हैं, बाद में बड़े ट्रैक्टर ले लूँगा। और ये पता नहीं किसका खेत है, मैंने ट्रैक्टर यहाँ पे अंदर घुसा दिया, इस रास्ते से लेके चलता हूँ। और यहाँ पे गोल चक्कर लेना है, तो इधर से जो है ये गोल चक्कर पे घुमा लेते हैं, मेरे को राइट वाले रास्ते पे जाना है। तो अपनी गाड़ी जो है दूर से ही दिख रही है, सही किया मैंने गाड़ी को वहाँ पार्क कर दिया, तो मेरे को दूर से पता चल गया अपना खेत वहाँ पर है, वो सामने खड़ी है गाड़ी। और इधर से रास्ता हुआ राइट साइड से, यहाँ से चलता हूँ, नहीं रास्ता ऊपर से जा रहा है, कोई नहीं इधर साइड से ले लेता हूँ, क्योंकि इस वाले खेत में कॉटन लगी हुई है, क्यों फालतू में ख़राब करा किसी का खेत। ये है रास्ता यहाँ से जाने का, और इस साइड से मुझे कल्टीवेट करने के लिए लगाना है, पहले तो उसको अनफोल्ड कर लूँ। और करता हूँ यहाँ पे वर्कर को साइन, वर्कर जो है काम करेगा, इतने में जो है थोड़ा फ्यूल लेके आ जाऊँगा। सही है ट्रैक्टर काम कर पा रहा है, मेरे को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अंडर पावर्ड हो और इस कल्टीवेटर को ना खींच पाए, बट ठीक है कर लेगा काम।
और मैं अपनी गाड़ी लेके पहले तो चलता हूँ एक बार फार्म पे, और उसके बाद वहाँ से एक ट्रैक्टर और टैंकर ले लेता हूँ। और एक बार ना इस गाड़ी की थोड़ी सी कैपेबिलिटी चेक कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा है, एक बार इसे चला के देखता हूँ कि ये जो है प्रॉपर चल पाती है, चल पाती है। यहाँ से जो है जंप तो कर लिया है, सही है एकदम। ओह, जंप तो काफ़ी कर रही है ये गाड़ी, और देखते हैं थोड़ा सा कितनी आसानी से जो है ऊँचे रास्तों पर चढ़ जाते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा ऊँचा आ रहा है, यहाँ पर भी हल्का सा जंप लिया, तो इधर की साइड एक बार ऊपर देख लेता हूँ। और ऊपर यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है, ये रास्ता कहीं नहीं जाता, ये रास्ता सिर्फ ऊपर जाता है, और वहाँ सामने से यू टर्न है, यू टर्न लेने की जगह है। तो यहाँ पे जितने भी रेजिडेंट्स वगैरह रहते हैं वो यहाँ से जब ऊपर जाते हैं तो खाली यू टर्न लेने के लिए जाते हैं। मैं दिखाता हूँ कि ये रास्ता यहाँ पे पहुँच जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे गाड़ी को पार्क करके यहाँ से व्यू देख सकते हैं, और यहाँ से व्यू काफ़ी ज़्यादा सही दिखता है। वो सामने जो है वहाँ ब्रिज दिख रहा है ट्रेन का, इधर पूरा का पूरा जो है वैली का व्यू दिख रहा है, और सामने माउंटेन्स वगैरह है, और एक एक छोटा नीचे ब्रिज है, ये ब्रिज तो घूम के यहीं पे आता है। ये वैसे एक्चुअल में व्यू पॉइंट ही है, या फिर पिकनिक पॉइंट कह लो, बस यहाँ पे जो है रास्ता ये ख़त्म हो जाता है, इधर से गाड़ी मोड़ के वापस लेके चले जाओ। और ये मैं इधर से आ गया, इसके ब्रिज के नीचे से निकल जाता हूँ, क्योंकि अपनी SUV है, आराम से निकल जाएगी यहाँ से। वो रहा सामने अपना फार्म। वैसे जो इतना सारा एरिया खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर मैं अपने काउबान वगैरह लगा सकता हूँ, इस एरिया को खरीद के। ये काफ़ी सारे खुले ग्राउंड है, जब अपने काओ बान, पिक बान, हॉर्स बान लगाने होंगे तब इस वाले एरिया में लगा दूंगा। और ये वाला एरिया तो मैंने परचेज़ कर ही रखा है फिलहाल, गाड़ी की जो है ना अभी यहाँ पे करके पार्क कर देता हूँ, और एक ट्रैक्टर ले लेता हूँ। ट्रैक्टर कौन से वाला लूँ, ये वाला ही ले लेता हूँ। वैसे अभी जो है मेरे को फ्यूल की ज़रूरत तो है नहीं, मैं क्यों फ्यूल में जो है फालतू में पैसा डाल रहा हूँ, तो अभी जो है फ्यूल से बेटर है मैं काउस का देख लूँ पहले काम, और काउस का खाना देख लेता हूँ। काउस का खाना तो है यहाँ पर, और पानी के लिए टैंकर तो वैसे सामने है ही, बट अभी तो पानी है इसके अंदर। और एक बार काउस की हेल्थ वगैरह भी देख लेता हूँ, और ये देखता हूँ मिल्क वगैरह दे रही है नहीं दे रही है, काउस का यहाँ पे दिख जाएगा। और अभी टोटल मिला के सिर्फ 15 काउस है, और अभी मिल्क दे रही है थोड़ा बहुत, क्योंकि 18 मंथ्स की काउस है, तो मिल्क देना इन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है, और पानी भी है यहाँ पर, और TMR भी है, तो काउस का तो अभी खाने का कुछ ऐसा देखना नहीं है। और बाकी मैं और काउस परचेज़ कर लेता हूँ, काउस परचेज़ करना बेटर रहेगा यहाँ से। अभी तो उसकी कैपेसिटी भी शायद बताएँ कितने की हुई पता चल जाएगा, 15 की कैपेसिटी और 15 ही है। काउस तो जो है और चाहिए, एक काउबान और लगा लेता हूँ पीछे की साइड कहीं पे ना। तो काउबान तो काफ़ी सारे हैं, और जो सबसे सस्ता काउबान है वो ये वाला है 50,000 वाला, इसकी जो है कैपेसिटी है 45 की, तो इसे लगाता हूँ। और इसे लगाने के लिए अपने यहाँ पे पीछे की साइड लगाता हूँ, यहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा। या वैसे ये वाली जगह तो मैंने अभी परचेज़ की है, नहीं ये नहीं परचेज़ की मैंने, 3 नंबर खेत के साथ आ रही थी ये, यहाँ पर लगा देता हूँ बिल्कुल एंट्री के पास, यहाँ पर ठीक रहेगा। यहाँ पर लगाया काउबान ये रहा, और ये काउबान तो काफ़ी सही है, इसमें तो प्रॉपर गेट वगैरह है, ये वाला गेट खोल के अंदर जा सकता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ये काउस का है, इधर जो है पानी का और खाने का है, तो ये काफ़ी सही लग रहा है काउबान। और इधर ये यहाँ से जो है इधर की साइड ज़्यादा नीचा होगा क्योंकि यहाँ पे रोड था, पर अपनी काउस यहाँ पर घूम लेंगी। और ये वाला गेट मुझे जो है बंद रखना पड़ेगा, नहीं तो काउस जो है बाहर निकल जाएंगी। अभी इस गेट को बंद करता हूँ, तो ये बंद हो गया। और इधर से ये छोटे वाला गेट, अच्छा ये यहाँ से जो है मिल्किंग मशीन के पास जाने के लिए, और ये यहाँ से जो है काउस को खाना देने के लिए है। के लिए अब जो है काउस परचेज़ करनी है, काउस परचेज़ करने का इसका ऑप्शन शायद इस साइड आएगा, ओ वो गेट के पास ही है काउस परचेज़ करने का, पहले बंद कर दूँ फिर परचेज़ करूँगा। तो अभी इसकी 45 की कैपेसिटी है, तो अभी 18 मंथ्स वाली काउस डायरेक्ट लूँगा मैं, क्योंकि वो सीधा मिल्क देना शुरू कर देंगी। तो 18 मंथ्स की पड़ रही है 1550 यूरो की एक, तो ये वाली ले लेता हूँ 15, ये 15 हो गई। और ये वाली मेरे को काफ़ी सही लगती हैं, तो बाकी जो बची हुई 30 की कैपेसिटी है वो ये वाली ले लेता हूँ, ये 30 ले ली। तो 45 न्यू काउस आ चुकी हैं, और ये रही काउस अंदर, एक बार इधर से चल के देखता हूँ। हाँ यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है काउस के हिसाब से, वैसे मेरे को थोड़ा छोटा लग रहा है 45 काउस के हिसाब से, बट चल जाएगा काम। ये तो 3-4 तो नीचे उतर गए हैं, चढ़ जाएंगी यहाँ से। और अब इनके खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं ये वाली घास काटूंगा सारी की सारी, और ये वाली घास काटने के लिए घास काटने की मशीन तो है सामने, ये वाला ट्रैक्टर में जो है सामने लग जाएगी, लग जाएगी, वो देखना है। इधर एक बार चेक कर लेता हूँ, और वैसे तो ये वाला ट्रैक्टर है, ये घास काटने की मशीन ही है, इससे अटैच कर लेता हूँ। हाँ इससे हो गई अटैच, और पीछे मुझे ट्रॉली लगानी पड़ेगी, ये वाली ट्रॉली है, तो इससे मैं घास काटता रहूँगा। और वैसे तो बेल बनाने के लिए भी मशीन है मेरे पास,
और ये जो है घास को इकट्ठा करने के लिए मशीन है। ये वाली मशीन जो है घास को इकट्ठा करके बिल्कुल बीच में ले आती है, और उसके बाद जो है ये वाली बेल मशीन से मैं बेल बना सकता हूँ। तो अपना TMR का काम भी हो जाएगा यहाँ पे, बट फिलहाल अभी इनिशियली जो है घास काट के डाल देता हूँ, क्योंकि TMR वगैरह के बनाने के लिए मुझे TMR की मशीन भी लानी पड़ेगी। तो अभी के लिए यही ठीक है, और घास तो काफ़ी सारी है, कहीं से भी काट सकता हूँ, इधर से सामने से ही घास काट लेता हूँ। तो इसको पूरा अनफोल्ड करके और इसको बस स्टार्ट कर देता हूँ। ये हो गया स्टार्ट, और ये घास कटनी हो गई शुरू। हाँ, ये स्टार्ट करनी पड़ती है, तो इसमें भी रोलर लगा हुआ है और ये अब उठा रही है। और अंदर का भी कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है, सामने दिख जाएगा। और जब घास कट रही है तो ये मशीन थोड़ा मिट्टी भी उड़ा रही है, मिट्टी भी उड़ रही है सामने काफ़ी सारी। अभी थोड़ी घास तो उसके अंदर आ ही गई, और ये सामने जो है यहाँ पे अड़ रहा है। एक मिनट, पहले मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, और इस मशीन को बंद करके थोड़ी जो घास इकट्ठी होगी ना, ये काउस को डाल देता हूँ। तो अभी जो है बिल्कुल खाना नहीं है, थोड़ा बहुत खाना तो आ ही जाएगा, और उसके बाद प्रॉपर जो है TMR की मशीन ला के TMR बना के डालूँगा। हाँ, अब इस यहाँ पे ऑप्शन आ गया, इस घास को ओवरलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है घास कर दी ओवरलोड, तो थोड़ा सा खाना तो आ गया। और इस ट्रैक्टर को जो है रिवर्स में निकाल लेता हूँ यहाँ से। ये ट्रैक्टर जो है छोटा ट्रैक्टर है, तो इसके बस की ज़्यादा कुछ काम है नहीं, वो तो उसने अगला काम कर दिया। तो अगला टायर बिल्कुल फ्लैट लग रहा है, क्योंकि ये इस मशीन के वेट की वजह से ऐसा हो रखा है। अब इसको जो है सीधा करके बाहर निकालता हूँ। ये अपने काउस का खाना डल चुका है, तो काउस जो है खाना खाने लग गए हैं। ट्रैक्टर आ गया बाहर, और एक काम करता हूँ, इसको पार्क कर देता हूँ। अब जो है दोबारा जब यूज़ करूँगा तो दूसरा ट्रैक्टर ले लूँगा, थोड़ा बड़े वाला, वो सही काम कर लेगा। और इस घास काटने वाली मशीन को जो है सामने पार्क करता हूँ शेड के अंदर। ये इस ट्रैक्टर का चार्जिंग स्टेशन भी यहीं पे है। और अभी जैसे ये मशीन डिटैच करूँगा, पहले तो पीछे वाली के लिए और अभी आगे वाली कर देता हूँ। तो ये दोनों मशीन डिटैच कर दिए हैं, और इसके टायर भी थोड़े ठीक हो गए। इसे लगा देता हूँ चार्जिंग पे, ये यहाँ चार्ज होता रहेगा। बस इसकी चार्जिंग होगी ये स्टार्ट, इधर थोड़ा करके पार्क कर देता हूँ। काउस के खाने का काम तो हो गया, अब प्रॉपर TMR की मशीन लानी पड़ेगी। और तो वाला खेत भी जो है कल्टीवेट होने वाला ही होगा, एक बार चल के देख ही लेता हूँ। और इस गाड़ी को अभी तो लिया है, इसके टायर भी गंदे हो गए, और वैसे यहाँ पे जो है साफ़ करने के लिए भी कुछ है नहीं। तो एक प्रेशर वॉशर भी जो है बाद में परचेज़ करना पड़ेगा, अभी फ़िलहाल इतने प्रेशर वॉशर परचेज़ नहीं करता। इतने तो जो है ये गाड़ी मुझे थोड़ी गंदी ही चलानी पड़ेगी। तो अपना वर्कर कहाँ पर है? उस साइड सामने है। ये गाड़ी जो है ऊपर ही चढ़ गई इधर की साइड, एक बार देख लेता हूँ कितना काम कर लिया उसने। अभी तो ये खेत रहता है, अभी तो कर रहा है काम। वैसे तो ये खेत खाली है, अभी कोई क्रॉप लगाई नहीं, गाड़ी मैं अंदर यहाँ पे ले आ सकता हूँ। अभी तो इसने जो है आधा खेत भी नहीं किया, इसको तो थोड़ा टाइम लगने वाला है यहाँ पे। तो अभी ये वर्कर काम करेगा, इतने में क्या करता हूँ इस गाड़ी को यहीं पार्क कर देता हूँ, क्योंकि इधर का खेत तो जो है कल्टीवेट हो चुका है। और इस वर्कर को यहाँ काम करते हुए देख लेता हूँ, जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सी क्रॉप लगानी है, और फिर उस क्रॉप की तैयारी करनी पड़ेगी। और इस वाले फार्म पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ, और मेनली जो है यहाँ पे काफ़ी सारे मैं एनिमल रखने वाला हूँ। बाकी जो है आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।